हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, यूपी टेट की तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल करके प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, टेट से जुड़ी जानकारी आपको समय से मिल सके। दोस्तों, जो भी जानकारी होगी ऑथेंटिक होगी। देखिए, टेट को लेकर के कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कब होगी परीक्षा, जिसका टेट का इंतजार हो रहा है। भाई, सीटेट का तो अपडेट आ चुका है कि भाई दिसंबर में ऑफिशियली ये तो अपडेट है कि दिसंबर में परीक्षा कराई जाएगी सीटेट की, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन आपके लिए हो गया कि सीटेट अगर आपने कर लिया तो बढ़िया है, और दूसरी बात यहाँ पर ये कि जो यूपी वाले स्टूडेंट हैं उनको यूपी टेट भी अगर सीटेट नहीं होता है तो फिर दो ऑप्शन रहते हैं, सीटेट हो गया तो अच्छा है, यूपी टेट हो गया तो अच्छा है, ठीक है ना। अब यूपी टेट के लिए बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, सीटेट का भी फॉर्म नहीं आया हुआ है। सीटेट का फॉर्म हालांकि आ जाएगा नवंबर में, और दिसंबर में परीक्षा हो जाएगी। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है ये कब होगा। तो यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है, पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग जो 2021 की परीक्षा 2022 में 23 जनवरी को हुई थी। दोस्तों, अगर आप सभी जानते हैं तो, नहीं जानते मैं बता दे रहा हूँ। अब इस बार भी देरी हो रही है, देरी होने का कारण क्या है वो समझ लीजिए। और इस बार भी जो परीक्षा आपकी है वो कब होगी, दिसंबर में होगी या जनवरी में होगी 2022 की परीक्षा। तो यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ध्यान से साफ साफ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसको यूपी टीईटी बोलते हैं, लगातार चौथे साल पटरी से उतरती नजर आ रही है। यानी 2022 की परीक्षा अब 2023 में होने की उम्मीद है। तो यानी इस तरह की अपडेट्स अगर आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि परीक्षा 2022 में संभव नहीं है, 2023 में ही होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कारण भी बताया है कि कार्यालय में अधिकारी नहीं, एक मतलब जो अधिकारी हैं वहाँ के और जो अफसर हैं उन पर तीन तीन चार्ज हैं, कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की कमी के कारण भी समय लग रहा है टीटी की परीक्षा में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हालांकि तैयारी आप लोग करते रहिए, थोड़ा समय और मिल रहा है तो, और जब समय मिल रहा है तो तैयारी और अच्छी होगी, जब तैयारी और अच्छी होगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद, लाइक करें अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी है, और शेयर करिए। क्लासें आज से आपकी स्टार्ट हो रही हैं।